फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। फटाफट नजर डालते हैं जिले भर की तमाम बड़ी खबरों पर। चुनाव मतदान केंद्रों में उत्सव जैसा रहा माहौल। महिलाओं ने वोटिंग में फिर से मारी बाजी। घर से निकले मतदाता, 77% से अधिक हुआ मतदान। जिले में छुटपुट घटनाओं के बीच दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। कई केंद्रों में देर शाम तक हुई वोटिंग, मतगणना का कार्य हुआ प्रभावित। रीवा जनपद पंचायत में कुल मतदाताओं की संख्या रही 1,97,856। 1,43,079 मतदाताओं ने किया मतदान। 4 जिला पंचायत सदस्यों के साथ 25 जनपद सदस्य, 92 सरपंच, 1,752 पंच के लिए हुए चुनाव। 332 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न। रायपुर कचुलियान जनपद के 1,99,181 मतदाताओं में से 1,39,706 लोगों ने किया मतदान। 4 जिला पंचायत सदस्य, 25 जनपद सदस्य, 104 सरपंच और 1,873 बच्चों का हुआ चुनाव। 329 मतदान केंद्रों पर की गई वोटिंग। गंगेर जनपद पंचायत में कुल 1,80,695 मतदाताओं में से 1,22,492 लोगों ने किया अपने मत का प्रयोग। 4 जिला पंचायत सदस्य, 25 जनपद सदस्य, 88 सरपंच और 1,644 पंचों का हुआ चुनाव। 300 मतदान केंद्रों में हुए वोटिंग। और दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को फिर लगा जोर का झटका। प्रारंभिक रुझानों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को मिले कम वोट। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री विभा पटेल वार्ड क्रमांक 17 में गिदौवा केवट नाम की प्रत्याशी से काफी पीछे बताई जा रही। वहीं वार्ड क्रमांक 14 से सपना सिंह भी काफी मतों से है पीछे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू। बाजार में विकल्प की कमी से बढ़ेगी परेशानी। व्यापारियों ने स्टॉक खत्म होने तक का मांगा समय। डॉक्टर्स डे के अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान। समाज सेवी संस्था लॉयंस क्लब ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर शहर के चिकित्सकों को किया सम्मानित। कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा के समाजशास्त्र विभाग के द्वारा नव प्रवेशी छात्राओं और नए शैक्षणिक सत्र का गर्मजोशी से हुआ शुभारंभ। बलकर की चपेट में आए बाइक सवार दो की मौत। गोविंदगढ़ कस्बे में हुआ हृदय विदारक हादसा। मृतकों की पहचान अजय कुशवाहा, पिता श्यामलाल कुशवाहा व सोनू कुशवाहा, निवासी चोरगढ़ी थाना रायपुर कचुलियान के रूप में हुई। डभौरा में केरोसिन का संकट। 6 महीने से केरोसिन के लिए भटक रहे हैं गरीब। आधा दर्जन समितियों का मामला पिछली भी रहती है गुल। अंधेरे में हो रहा है गुजारा। नगर परिषद डभौरा में आगामी 13 जुलाई को होने वाले मतदान के बहिष्कार की योजना। 3 दिन में समाधान नहीं तो करेंगे स्थानीय लोग मतदान का बहिष्कार। बिजली नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। और गाजे बाजे के साथ लक्ष्मण बाग से निकाली भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा। शहर में जगह जगह रथ यात्रा का हुआ स्वागत। फूलों की हुई वर्षा। नहर में मिला युवक का शव। पहचान में जुटी पुलिस। गोविंदगढ़ थाने के डी गांव में हुई घटना। घर से लापता हुई बच्ची, 20 किलोमीटर दूर बरामद। डाल हंड्रेड ने तलाश कर परिजनों को सौंपा। सिमरिया थाना के तिघरा में हुई घटना। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत रविदास नगर में महिला के घर में घुसकर मारपीट। जाति सूचक शब्दों का किया गया प्रयोग। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मारपीट। SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला पुलिस जांच में जुटी। लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाते हुए चालक ने मारी टक्कर। बोदाबाद निवासी सूरज प्रकाश सूर्यवंशी हुए घायल। घायल की शिकायत पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज। रविदास नगर बोदाबाद कन्या पाठशाला के सामने हुई घटना। अमहिया थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 23 से किशोरी का अपहरण। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर शुरू की तलाश। किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मनवा थाना क्षेत्र के गंगेव बस्ती में हुई थी घटना। रिया शर्मा नाम की किशोरी ने उठाया आत्मघाती कदम। पुलिस मामले की कर रही है विवेचना। 15 वर्षीय किशोरी अंकिता सोंधिया ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। कारण अज्ञात। मनवा थाना क्षेत्र के कुदरी गाँव की घटना। हनुमाना थाना क्षेत्र में पिपराही में वोट डालने को लेकर हुआ विवाद। रामभजन गौंड के साथ भवर सिंह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर की मारपीट। जहरीले कीड़े के काटने से 12 वर्षीय मनीष कौल की मौत। पनवार थाना क्षेत्र के धीरो गांव में हुई घटना। दुष्कर्म पीड़ित मासूम जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है लड़ाई। संजय गांधी अस्पताल के ICU में चल रहा है उपचार। परिजनों का हौसला बढ़ाने पहुंचे विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।